कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। आपका फोन, आपकी टीवी और शायद आपका अखबार भी आपसे आपकी नागरिकता को छीन रहे हैं। अब आपको लग सकता है कि मैं ज्यादा बोल गया, लेकिन कुछ देर इंतजार कीजिए, सब समझ में आ जाए। नमस्कार, मेरा नाम वरुण शर्मा और मैं भी आप लोगों की ही तरह एक आम नागरिक जो चाहता है कि वो एक बेहतर जिंदगी जिए और अपने समाज को बेहतर से बेहतर बना के जाए। आई एम ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड हु रिकग्नाइजेज द फैक्ट दैट देर आर सम ग्लोबल चैलेंजेस एंड सम थिंग्स नीड टू बी डन अबाउट देम। टू पुट इट सिंपली, जस्ट अ गाय हु वांट्स टू डू द राइट थिंग। और आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसका कारण ये है कि हमारी ये जो नागरिकता है, अब इसको एक बहुत बड़ा संकट है। ये बातें वैसे हिंदी में क्यों, इंग्लिश में क्यों? इसका जवाब ये है कि नागरिकता का ये जो संकट है, मेरी नजर में सबसे गहरा हिंदी प्रदेशों में ही है। इसका ये मतलब नहीं कि हिंदी प्रदेश किसी से भी कम है या ये संकट बाकी जगह नहीं। बिलीव मी, द डेंजर इज इन every corner of the country and every corner of the world, and this is one of the biggest challenges that we are facing right now. Aur is sankat ke hone ki wajah, agar ek general sense mein kahun to ek cheez hai aur wo hai information, suchna, khabrein. Ab aap pooch sakte hain ki jab khane ko khana nahi hai, peene ko saaf pani nahi hai, सांस लेने को ऑक्सीजन नहीं है, तो नागरिकता बचा के हम क्या करें? इसका जवाब यह है कि इन मूलभूत अधिकारों के लिए अगर आपको लड़ना है तो वो ताकत आपको आपकी नागरिकता ही देगी। अगर आपका नागरिक बहुत कमजोर रह जाता है तो कल को शायद आपको पीने के पानी के लिए भी रिश्वत देनी पड़े। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को समझते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। इनफॉर्मेशन, इन का मतलब अंदर, किसी चीज या किसी दिमाग के अंदर। फॉर्मेशन, फॉर्म करना, बनाना। इंफॉर्मेशन का मतलब वो है जो जब आपके पास आए तो आपके अंदर कुछ बनाए। ये एक सवाल हो सकता है, एक ख्याल हो सकता है, या महज एक जानकारी हो सकती है। इंफॉर्मेशन की एक और बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशन इज द रेजोल्यूशन ऑफ अनसर्टेनिटी। इंफॉर्मेशन अनिश्चितता का अंत है। आपके अंदर कई अनिश्चितताएं हैं, कई बेचैनियां हैं, समाज को लेकर, अपने शहर को लेकर, मोहल्ले को लेकर, लेकिन उन सब का अंत कहां होता है? इंफॉर्मेशन से, सूचना से। इंफॉर्मेशन एक बहुत अहम हिस्सा है ये निर्धारित करने का कि हम कौन हैं और हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। इस बात का एक साइंटिफिक आधार भी, एक मॉडल जिसे हम डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम DIKW मॉडल कहते हैं। डेटा का मतलब कुछ ऐसे ग्राफ्स या नंबर्स या फिगर्स या पेपर्स जिनका खुद से कोई खास मतलब ना हो। द कीवर्ड हियर इज अनऑर्गेनाइज्ड। इंफॉर्मेशन मतलब वो जानकारी जो आपको उस डेटा को प्रोसेस करके या समझ के मिले। नॉलेज वो है जो आप उस इंफॉर्मेशन से खुद के लिए बनाए और लागू करें। और विजडम वो है जो एक लंबे समय की नॉलेज के बाद आपके लिए आपका सच बना है। अब थोड़ा पीछे जाते हैं और नागरिकता को समझते हैं। अगर थोड़ा इतिहास उठा के देखें तो हमें समझ आएगा कि नागरिकता की जो धारणा है, इसकी शुरुआत हुई थी ग्रीक और रोमन सभ्यताओं से। उस वक्त नागरिक की एक बहुत खूबसूरत परिभाषा थी जो ये कहती थी कि नागरिक वो है जो अपने सक्रिय सहयोग से, अपने पार्टिसिपेशन से समाज के लिए कुछ ऐसे नियम या कानून बनाने में मदद करे
जो समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाए। प्लीज नोट हेयर दैट द ओरिजिनल डेफिनेशन, इवन इफ इट्स वेग, फोकसेस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डिस्कोर्स। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, वैसे वैसे नागरिक और नागरिकता की परिभाषा बदलती गई। मैनी थिंकर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अरिस्टोटल एंड प्लेटो टू थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रॉसियो, वॉल्टेयर गेव देयर ओन डेफिनेशंस एंड ओन पर्सपेक्टिव्स ऑन सिटीजनशिप। 19वीं सदी तक आते आते नागरिक की एक जनरल जो डेफिनेशन बन गई वो ये थी कि नागरिकता वो है जो स्टेट यानी राज्य और व्यक्ति के बीच का वो संबंध बनाए जो व्यक्ति को कुछ आधार दे और राज्य की तरफ कुछ मूलभूत अपेक्षाएं रखे। 1990 के बाद से नागरिकता के सवाल में एक नई ऊर्जा सी आ गई। एंड रिमेंबर दैट द डेकेड ऑफ द 90s वॉज वन वेयर द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज बॉर्न एंड अ लॉट वॉज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। द वर्ल्ड हैड टू रीडिफाइन अ लॉट मेनी थिंग्स एट द एज द कोल्ड वॉर हैड जस्ट एंडेड। We had to redefine economics, agriculture, foreign policy, and even deal with Y2K. जैसे जैसे हमारे समाज और व्यवस्थाओं का तंत्र और बड़ा और जटिल होता गया, वैसे वैसे एक आम नागरिक के पार्टिसिपेशन की स्पेस और कम होती चली गई। लेकिन एक आम नागरिक की पार्टिसिपेशन जो बची कुछ ही स्पेस थी, उसकी बर्बादी का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है इंफॉर्मेशन के संस्थानों की बर्बादी। लेकिन इंफॉर्मेशन के ये संस्थान बर्बाद हुए कैसे, क्यों हुए, कब हुए? इसकी जिम्मेदारी कुछ आईटी रेवोल्यूशन की है, कुछ हमारी है और कुछ हमारी सरकारों की। एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन, क्रांति और विकास, दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनका साथ में चलना बहुत जरूरी है। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक किसी तरह हमारा विकास भी साथ में हो रहा था, लेकिन अब जो ये चौथी उद्योग क्रांति है उसने हमारे दिमाग और हमारे संस्थानों के विकास को बहुत पीछे छोड़ दिया है। टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग फास्टर देन मैनकाइंड एंड नाउ वी आर बिगिनिंग टू सी द आफ्टर इफेक्ट्स। आपको शायद अंदाजा भी नहीं हुआ और कब आप नागरिक से वोटर बन गए और अब आपको वोटर से गिराकर भीड़ में बदलने की प्रक्रिया चल रही है, एक ऐसी भीड़ जो खुद के लिए कोई निर्णय ले ही ना सकती। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, जब इंटरनेट नहीं था ये तब भी होता था, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद से इसके खतरों में और इसकी तेजी में एक बहुत तेज उछाल आया है। कैसे, समझाता हूं। यास्मीन खान की एक किताब, वो एक इतिहासकार है और उनकी किताब है द ग्रेट पार्टीशन, जिसमें वो लिखती हैं कि बंटवारे के समय कुछ अखबार ऐसी खबरें छापने लगे थे जो कभी हुई ही नहीं थी, ऐसी घटनाओं के बारे में जो पूरी तरह काल्पनिक थी। उन झूठी खबरों के चलते हिंसा इतनी बढ़ गई कि उस वक्त की सरकार को 20,000 अखबार एयर ड्रॉप करने पड़े लाहौर, अमृतसर, जलंधर और फिरोजपुर के जिलों, ताकि सच्ची खबरें लोगों तक पहुंच पाए। हिंदी टीवी न्यूज और अखबार जो आजकल कर रहे हैं वो उससे कुछ ज्यादा अलग नहीं है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज्यादा खतरा हिंदी प्रदेशों में ही है। गलत सूचना या इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ का सबसे भयानक रूप यही, लेकिन इसके खतरे यहीं ख़त्म नहीं होते। 23 अप्रैल 2013 को अमेरिका के दी एसोसिएटेड प्रेस के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है जो कहता है कि व्हाइट हाउस में एक हमला हुआ है और बराक ओबामा घायल। वो ट्वीट झूठा था और सीरियन हैकर्स के द्वारा किया गया था, लेकिन उस एक ट्वीट के चलते
अमेरिका के स्टॉक मार्केट से एक दिन में 140 बिलियन डॉलर की संपत्ति गायब हो गई। सीनान अराल एक डेटा साइंटिस्ट जिन्होंने 2005 से लेकर 2015 तक फेक न्यूज पर रिसर्च की है। उनकी रिपोर्ट्स का कुछ हिस्सा साइंस मैगजीन में छपा है जिसका नाम है हाउ लाइज स्प्रेड। उनके अनुमान से 2018 के स्वीडन इलेक्शन में सोशल मीडिया पर छपी सारी खबरों में से एक तिहाई खबरें फेक न्यूज थी। लेकिन उनके रिसर्च से एक बात साफ कि फेक न्यूज के फैलने में हमारा ही रोल सबसे बड़ा, जो जिम्मेदारी है वो हमारी। उसके अपने कई कारण हैं। सोशियोलॉजी में एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम है नॉवल्टी हाइपोथेसिस, जो ये कहता है कि अगर हमारे पास कुछ नया है या कोई नई जानकारी है तो हम उसे दिखा के या उसे शेयर करके अपना सामाजिक कद बढ़ाना चाहते हैं। फेक न्यूज़ और फेक ट्वीट्स को जब एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि वो हमसे दो तरह के रिएक्शन निकलवाते हैं, सरप्राइज अचंभा या घृणा डिस्गस्ट। फेक न्यूज एंड फेक ट्वीट्स वर नॉवल एंड सरप्राइजिंग एंड दैट इज वाई देवर शेयर्ड द मोस्ट। और यही आती है बतौर नागरिक हमारी गलती है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने कुछ देखा है जिसको देखकर आपके मन में सवाल आया है तो आपने उसे कितनी ही बार खुद से वेरीफाई किया? गजेट ऑफ इंडिया कितने लोग पढ़ते हैं आजकल? आधों को तो पता ही नहीं होगा कि क्या होता है। लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, कितने लोगों ने कभी खुद से देखे? पिछले कई सालों में नोटबंदी से लेकर फार्म बिल्स, कृषि विधेयक तक, कितने ही मुद्दों पर आपने खुद से ये डिसाइड किया है कि आप उसे एक संपादक या एक एंकर के नजरिए से हटके अपने एक नजरिए से समझेंगे। किसी भी समाज में एक नागरिक के जो दायित्व है उनका एक बहुत अहम और ताकतवर हिस्सा है कि वो अपने लिए बनाए जाने वाली नीतियों को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन जब आप तक सूचना ही ठीक नहीं पहुंचेगी तब क्या आप किसी मुद्दे को पूरी तरह समझ पाएंगे? अगर आप किसी मुद्दे को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे तो क्या आप बतौर नागरिक उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे पाएंगे? हमें ये बात समझनी होगी कि हम एक ऐसे मार्केट के प्रोडक्ट हैं जहां पर विचार और विचारधाराएं पहले से तय कर दी गई। जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस डेटा इंटेंसिव हो रहे हैं वैसे वैसे हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा डेटा फुटप्रिंट क्या है। गूगल पे एड्स के जरिए आपको सिर्फ सामान नहीं बेचा जा रहा, आपको आइडियोलॉजी, विचारधारा भी बेची जा रही है। इस बात को समझना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कहा था मैंने कि आपका फोन, आपकी टीवी और आपका अखबार शायद आपसे आपकी नागरिकता छीन रहे हैं। यूट्यूब या किसी टीवी चैनल या किसी अखबार का ये उद्देश्य कभी नहीं होता कि वो आपको एक बेहतर इंसान या एक बेहतर नागरिक बनाए। वो सब एक मार्केट का हिस्सा है जिसका सिर्फ एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य, कि अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कैसे करना। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मार्केट को कितना समझना चाहते हैं और कितना अपनी नागरिकता को बेचना चाहते हैं इन सर्विसेज के इस्तेमाल के लिए। अगर वक्त रहते हमने ये नहीं समझा कि नागरिक होने के लिए विचारों में अंतर्विरोध होना, संदेह होना, मतभेद होना बहुत जरूरी है तो शायद हम वोटर से नागरिक वापस नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। तो अब अगर ये खतरे इतने गहरे हैं, ये संकट इतना गहरा है तो कुछ तो किया जा सकता होगा इनसे बचने के लिए। जवाब है हाँ, काफी कुछ किया जा सकता है। पहला, सवाल कीजिए, संदेह कीजिए। कल को जब आप टीवी न्यूज़ या अखबार खोलें और आपको वही एंकर और वही चार प्रवक्ता
इकोनॉमी से लेकर डिफेंस के मुद्दे पर बात करते थे। तो ये सवाल खुद से कीजिए कि क्या ये लोग इन सब विषय के जानकार हो सकते हैं? प्रोग्राम या लेख की भाषा को उस पर संदेह कीजिए, उसको क्वेश्चन कीजिए। क्या उस डिबेट का टाइटल कुछ ऐसा है जिसने सवाल पूछे जाने से पहले ही किसी को दोषी बना दिया है? पूछिए खुद से ये सब चीजें। दूसरा, अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कीजिए, और जब भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आए कोशिश कीजिए कि आप उसकी तह तक जाए। कई बार आपको खुद से लड़के दूसरे पक्ष को समझना पड़ेगा, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी की राय को अपनी नॉलेज ना बनाए। याद कीजिए DIKW मॉडल, और समझिए कि अगर डेटा या इंफॉर्मेशन के स्टेप पर आपको अगर गलत जानकारी मिलती, आपकी नॉलेज भी गलत होगी और आपकी विजडम भी गलत होगी। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, अपने YouTube एल्गोरिदम का ख्याल रखें और उसे टेस्ट करते रहेंगे। अगर आपके YouTube टैग्स किसी एक व्यक्ति, किसी एक विचारधारा या किसी एक ओर जा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप एक तरफा हो रहे हैं। एक तरफा होना बुरी बात नहीं, लेकिन किसी मुद्दे के सारे पक्षों को जाने बगैर अगर आप एक तरफा हो रहे हैं तो आप समाज की सच्चाई से अपना मुंह फेर रहे हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि हो सकता है आपको कुछ छोटी छोटी चीजें करनी पड़े, लेकिन इंफॉर्मेशन लेना एक बहुत जिम्मेदारी का काम, और वो आप ही हैं जिसे इसका लाभ होगा। डाइवर्सिटी इज ब्यूटिफुल एवरीवेयर, एंड डाइवर्सिटी ऑफ थॉट मेक्स अस मोर केपेबल, बेटर एंड मोर क्रिएटिव, एंड दिस इज वॉट कीप्स आर सिटीजनशिप अलाइव। प्रोटेक्ट इट, चेरिश इट। थैंक यू।